अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अब्बास और खुशामदीद हमेशा की तरह और हमेशा की तरह मौजूद है एक और नई वीडियो के साथ। और आज जो वीडियो है वो है सिम्बा का ऑफिशियल ट्रेलर, जिसका मेरे ख्याल से मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंतज़ार था क्योंकि जो हीरो है वो मेरा बहुत फेवरेट है और देखने फिर मिल जाएगा क्या मेरा ना फिल्म की बात नहीं कर मैं ट्रेलर की बात कर। तो रणवीर सिंह, सारा अली खान और रोहित शेट्टी की फिल्म है और मेरे ख्याल से जो है ये शायद आती है ना, कौन सी फिल्म आई थी यार, सिंगम का जो है उसकी कोई रिलेटेड स्टोरी है उसी तरह की कुछ। तो सीधा चल के हम देखते हैं, सिंगम देखिए आपने? हाँ सिंगम देखिए, अच्छी लगेंगे ना। चलो उससे ज़्यादा बड़े गाड़ी में उठ कल्टी कल्टी तो ये वो रोहित शेट्टी की फिल्म है और रणवीर सिंह जो हमारे बड़े मेरा खैर पर्सनल फेवरेट है तो देखते हैं। जहाँ एक तरफ मैं अपनी पुलिस की ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहा था, वही दूसरी तरफ एक बच्चा मेरी तरफ पलटना चाहता था। ए, किधर पे भी दे पर सर पे नहीं। मैं आज उसका बेटा दिखा सर, कुछ और ही था। अपने मतलब के लिए। बहुत बड़ा कमीना है तू भाऊ, जे मला माहित नाही ते सांगा, टेल मी समथिंग आई डोंट नो। मैं पुलिस वाला बना पैसा कमाने को, रॉबिन हुड बन के दूसरे का मदद करने के लिए नहीं। मेरे को मेरे टीचर का याद आता है, बड़ी बहन मानता था मुझे। मैं आपकी बड़ी बहन तो नहीं हो सकती सर, छोटी बहन ही समझ लो। कुछ नहीं बोला मेरे भाइयों को, तीन कुत्ते बांध के रखे मैंने, उनको पेडिग्री देता है और चौथा कुत्ता तू, नोट देता है तेरे को। थाले राव, तुम्हें कभी किसी का एनकाउंटर करना हो ना तो तुम मुझसे टिप ले। उन रेपिस्ट को मार देना चाहिए, उन्हें जान से मार देना चाहिए भैया। सच बोलो सर, जब तक ये रेपिस्ट लोग को अपन पुलिस लोग ठोकते नहीं ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा सर। तो जनाब ये थी सिम्बा, 28 सितंबर को ये फिल्म आ रही है। दिसंबर को ना, सितंबर बोला, सितंबर बोला सॉरी, 28 दिसंबर को ये फिल्म आ रही है। बहुत शानदार फिल्म होगी और क्या कहते हैं, जो एक्शन देखना पसंद करते हैं और इसमें कुछ इमोशनली भी है, कुछ इमोशंस भी है इसके अंदर, कुछ कॉमेडी भी है मेरे ख्याल से, कॉमेडी भी है लेकिन बहुत खूबसूरत फिल्म के साथ। और अजय और थोड़ी कास्ट भी, वो अजय तो नहीं है इसमें, अजय की मेरे ख्याल से एंड में जो है स्पेशल अपीयरेंस नजर आएगी। अच्छा, ट्रेलर में वैसे वो नहीं है, वो मेरे ख्याल से कैमियो कर रहा हुआ एक छोटा सा। अच्छा अच्छा, चले बाहर क्या कहते हैं वो, क्योंकि स्टाइल तो अजय का ही इन्होंने बनाया तो उनकी भी कमी, हाँ क्योंकि मेरे ख्याल से रणवीर सिंह पूरी कर रहे हैं उनकी कमी जो है पुलिस वाला बन के, वो अब बड़ा हो गया है और वो जो अब असल मेरे ख्याल से जो मोटो जो एंड में उसमें क्लाइमेक्स टाइप का जो दिखाया है कि वो जो रेप के ऊपर, रेपिस्ट के ऊपर जो उसमें फिल्म है बेसिकली, मेरे ख्याल से क्योंकि मेरे ख्याल जिसको उसने बहन बनाया है उस सब उसमें का ट्रेजी हो जाती होगी, फिर इसका जमीन जाता है बेसिकली। हटके भी ये बंदा जो है ना, अगर आप
अगर आप इसकी मूवीज देखी हैं तो यार मेरा बड़ा पसंदीदा अच्छा हो गया एनर्जी बहुत फिल्म बहुत अच्छी होगी और हमेशा ही फिल्म बहुत अच्छी होती है और एक्शन से भरपूर होती है फिल्म मतलब उसमें ना मतलब बंदे में एनर्जी बहुत है यार एनर्जी बहुत होती है और आप डेब्यू तो नहीं बोल सकते जो सारा अली खान है इनकी सारा खान अच्छा फैसला ये इनका फेस है अपनी पूरी माँ के ऊपर अगर इसकी माँ अमृता सिंह अमृता सिंह की बेटी अच्छा वो तो यार सैफ अली खान अमृता सिंह की बेटी है ना ये सैफ की बेटी है सारा अली खान बात है यार तो बस मुझे रास्ता दे भाई ठीक है तो इनकी मूवी है मैं ना फिर तो यार बहुत बड़ा नाम क्या कहते हैं मैं पर्सनली मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपको सिनेमा में जाके इस मूवी का टिकट दिखाऊंगा कि मैं ये देख कर आया कभी शर्म यार ये बोलते हुए कि मैं ये देख के आया ये बोलता है कि टिकट लेकर आऊँ दोनों चलेंगे भाई देखने के लिए ये नहीं बोल रहा अब एक टिकट पे दोनों को दिखा देंगे तो दोनों चलेंगे भाई क्या हुआ बहुत अच्छी फिल्म है बहुत शानदार फिल्म है मुझे अभी मालूम चला कि इन्होंने बताया मुझे मेरी मालूमात पे इजाफा किया कि ये सारा अली खान जो है वो कौन है सैफ अली खान और अमृता सिंह अमृता सिंह एक टाइम में बहुत बड़ा नाम था बड़ी खूबसूरत हीरोइन होती थी बड़ा अच्छा इनकी फिल्म उस दौर की फिल्में जब अमृता सिंह वगैरह काम करती थी उस दौर में बड़ी शानदार फिल्में हुआ करती थी उस फिल्म के गाने उस फिल्म के स्टोरी उसका जो क्या कहते हैं म्यूजिक होता था एक्शन डायलॉग्स तो बहुत खूबसूरत चीज़ें होती थी वो जो आज भी देखी जाती है बड़ा मज़ा आता देखने को बहरहाल आजकल के ये फिल्म वापस क्या कहते हैं सबके दौर की है अब ये समझ इसके दौर की है तो एक्शन तो लोग पसंद करते हैं और वाकई में बाकी इसमें दिखाते ना चीजें कि यार वो गाड़ी घूम रही है तो वो रोहित शेट्टी का अपने तो अंदाज बाहर कर दी वो रोहित शेट्टी का अपना नहीं हाँ वो एक ये बंदा रोहित शेट्टी माने इस चीज के लिए जाता नहीं अजय देवगन जो आया था उसी गाड़ी घूमी थी ना वो पूरी यू नहीं वैसे भी मूवी में अच्छा रोहित शेट्टी की कोई भी मूवी ले लो गोलमाल अच्छा आप उसकी चेन्नई उसी गाड़ी घूमती है वो मतलब गाड़ियों से खेलता है वो अच्छा इसका मतलब एक स्पेशलिटी कह लो या उसका एक अपना अंदाज कह लो उसका अच्छा जिसमें वो घूमता और वो तो डायरेक्टर मतलब करण जौहर साहब है नहीं नहीं रोहित शेट्टी है ना भाई रोहित शेट्टी नहीं डायरेक्टर हो क्या वो प्रोड्यूसर है करण जौहर ने प्रोड्यूस किया ठीक है भाई ये भी मालूम चला भाई इसकी बड़ी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में कि भाई एक फेवरेट एक्टर का फेवरेट एक्टर है तो देखो मुझे मालूम होगा तो मेरे सारे फेवरेट एक्टर से मैं देखता ही नहीं कोई बाहर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस फिल्म को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करें शेयर करें और सब्सक्राइब बहुत जरूरी है और अपने व्यूज को हमारे व्यूज को बढ़ाएं भाई और आप कुछ कहें मैं घंटा दबाने को बोलता हूँ हमेशा तो इनका घंटा जरूर दबा दीजिएगा मेरा नहीं वो जो नीचे लाल है मेरा तो आप भी दबा सकते हैं अल्लाह हाफिज़।